नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी एक और नई वीडियो लेकर मैं विकास आपके बीच आया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के रजिस्ट्रेशन को लेकर आज बड़ी खुशखबरी आई है। तो जो डीसी रेट भर्तियों के लिए जो सरकार ने निगम बनाया है, किस प्रकार जो है वो पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे, कहाँ जाकर आप जो है वो आवेदन कर सकते हैं, तो इसको लेकर पूरी जानकारी आई है, बड़ी खुशखबरी है। पूरा वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो अगर आप कौशल रोजगार निगम के रजिस्ट्रेशन या समय समय पर इससे जुड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी अगर आप समय समय पर पाना चाहते हैं, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का रजिस्ट्रेशन के लिए जो पोर्टल की शुरुआत हुई है, उस पर मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर दोस्तों, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट है, उस पर मैं आपको लेकर आ गया हूँ। तो अभी के लिए दोस्तों, इस वेबसाइट का कोई भी जो है वो अभी इसका कोई भी वेबसाइट का लिंक नहीं बनाया गया है। ये वैसे आईपी एड्रेस पर अभी ये वर्क कर रही है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, परंतु जितना मैंने इस वेबसाइट पर स्टडी किया है और कहीं से मैंने जानकारी ली है, तो लगभग जो है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यही वेबसाइट रहने वाली है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, मैं आपको कुछ ऐसे यहाँ पर प्रूफ भी दिखाऊंगा कि जिससे आपको लगेगा कि ये वेबसाइट जो है वो वास्तव में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत जो है वो काम करेगी। तो यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री साहब की यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, कैसे बेरोजगार युवा लाइन में लगे हुए हैं। तो सभी के साथ ही एक इमेज है जिसमें, जैसा कि मुख्यमंत्री साहब ने स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताया था, जिसको स्किल की जानकारी होगी, सीईटी के भी एक्स्ट्रा नंबर सरकार ने देने की बात की थी, सक्षम युवाओं को भी प्रेफरेंस देने की बात की थी। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ ये अपनी सुविधाएँ बताई हैं कि किस प्रकार जो है वो हम यहाँ पर आपको सभी चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे। तो अभी के लिए इस पर जो है वो रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपको जो है वो मेन मेन जानकारी आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम जो है वो यहाँ पर अबाउट पर क्लिक करेंगे, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, फिर आपको एक और प्रूफ दिखाऊंगा कि जिससे हो सकता है कि वेबसाइट ऑफिशियली हो। एक तो आप ये देख लें कि डिपार्टमेंट लॉगिन का यहाँ पर ऑप्शन अभी जो है वो उपलब्ध है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, ये माफ़ी चाहूँगा, जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है वो भी आपको जल्द ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अबाउट अस में इन्होंने पूरी वही जानकारी बताई है कि हमने जो 2013 का एक्ट है उसके तहत जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, ये यहाँ पर 13 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर ये कॉरपोरेशन के अंतर्गत जब अब सरकार ने कर दिया है। इसका मुख्य मकसद ये आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर ऑफ ऑल गवर्नमेंट एंटिटीज इन हरियाणा इन ए ट्रांसपेरेंट रोबूस्ट एंड इक्विलेट मैनर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डीसी रेट जो भी भर्तियाँ हैं वो हरियाणा में जिस भी बोर्ड में, उनको जो है वो पारदर्शी तरीके से सभी को जिसके हिसाब से जिसको नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि डीसी रेट भर्तियाँ आपने देखी होगी, सिफारिश बेस पर ये भर्तियाँ मिलती थी। अब सरकार ने जो है वो निर्णय लिया है कि कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत ये भर्तियाँ करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस एजेंसी को ये जो है मुख्य कार्य यही इसको दिया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर है हरियाणा में वो उपलब्ध करवाई जाए सरकार को। तो यहाँ पर इसका ये आप मेन फोकस भी देख सकते हैं, जैसा मुख्यमंत्री साहब ने कहा था, और आप देख सकते हैं कि जो मुख्य मकसद, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर जो डीसी रेट पर लगाए जाएंगे, इनका मुख्य मकसद सरकार का ये है और कौशल रोजगार निगम का मुख्य मकसद ये है कि जो अपलिफ्टिंग है सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो कैंडिडेट हैं जिनको अभी तक लाभ नहीं मिल रहा था, उन कैंडिडेट को लाभ दिया जाए। इसके अलावा जो टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरी बेनिफिट है, जो कैंडिडेट है उनको टाइमली पेमेंट दी जाए, और जो सरकार है वो इसमें स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से अपने जो है वो कानून के हिसाब से भर्ती करेगी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर पांचवा पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो अनंत प्रकाश पांडे अभी जो है वो यहाँ पर 25 नवंबर को जो है वो सीईओ मनाए गए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के, और यहाँ पर ये अपडेट भी हो चुका है। वैसे इसमें थोड़ा बहुत आपको अभी एरर दिख रहा होगा, जैसे ये पंचकुला में इसका ए नहीं है,
फिर भी आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ी अपडेट है कि 26 तारीख को ये मने थे सीईओ, और ये यहाँ पर अपडेट भी किया जा चुका है। इसके अलावा ये जो लगभग डिपार्टमेंट है, इन सभी डिपार्टमेंट के यहाँ पर जो है वो सीईओ यहाँ पर हरियाणा सरकार ने जो है वो रख रखे हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर इनके मेल है, अगर आपकी कोई क्यूरी है हो सकता है आपको इस पर जवाब मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल संभावित हो सकता है। अभी के लिए इसको जो है वो कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि यही पोर्टल है, फिर भी आपके लगातार जो है वो आपके कमेंट आ रहे थे, इस वजह से ये वीडियो लेकर आए हैं। तो ये पूरी अपडेट आपको कैसे लगी वीडियो में ज़रूर बताइएगा, वीडियो के कमेंट में। इसके अलावा जैसे ही आगे इसको लेकर और कोई अपडेट आएगी आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। धन्यवाद।